ठुकरा चुके हैं उसा दोस्तों, ये है जन्नत तो ये आ चुके हैं दोस्तों हम लोग क्रोट फॉल्स में। वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जोशी फैमिली। मैं हूं गौतम जोशी और आप लोग देख रहे हैं द जोशी फैमिली। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग आ गए थे गुवाहाटी से शिलोंग ऑर्किड लेक रिजॉर्ट में, हम लोग रुके हुए थे। तो आज का दोस्तों, हमने पहला दिन जो था हमारा दोस्तों, हमने एक्सप्लोर किया रिजॉर्ट आप लोगों को दिखाया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा और ज़रूर देखिएगा। आज का ब्लॉग जो है दोस्तों, हम लोग निकले हैं दोस्तों साइट सीइंग के लिए। कुछ नेचुरल ब्यूटी जो हैं शिलोंग की और चेरापुंजी की और मौसिन राम की, उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकले हैं अपने रिजॉर्ट से। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा एक वाटरफॉल, बहुत ही ऑसम। तो बहुत कुछ है दोस्तों इस वीडियो में देखने के लिए। आप लोग बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। चलते हैं स्टार्टिंग से और दिखाता हूँ आपको ये व्लॉग स्टार्टिंग से। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस व्यू को, दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से। दोस्तों, ये है मेघों का प्रदेश, जिसको हम लोग मेघालय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चारों तरफ फॉगी फॉग है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, इस तरफ है शिलोंग पीक, जो कि मेघालय का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। तकरीबन 1800 से 1900 मीटर्स के आसपास है हाइट अबव सी लेवल। आनू कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, हवा चल रही है। तो दोस्तों हम लोग अभी आ रहे हैं अपने रिजॉर्ट बड़ा पानी से, ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट से। शिलोंग सिटी हम लोगों ने क्रॉस करी और हमें मिल गया ये ऑसम वेदर जो हम लोग देखने आए थे गुवाहाटी से। चारों तरफ है फॉग, फॉगी फॉग, ठंडी ठंडी हवा। अभी चलेंगे शिलोंग पीक की तरफ और बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। ऐसा मन कर रहा है कि बस यहीं पे रुक जाएं और इस हवा को स्टोर करके ले जाएं अपने साथ। पैदल नहीं चलेंगे बेटा, अभी दूसरी गाड़ी में चलेंगे। इंजॉय करोगे आप? तो दोस्तों अभी चलते हैं शिलोंग पीक की तरफ, आप लोग इंजॉय कीजिए इस ऑसम वेदर को, इस ऑसम व्यू को, और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इस तरफ है शिलोंग पीक। शिलोंग पीक यहाँ से भैया कितना, 200-300 मीटर? एक किलोमीटर आगे होगा शिलोंग पीक। अभी क्या है दोस्तों, अगर आप लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं या प्राइवेट कैब लेके आते हैं तो एक किलोमीटर पहले आप लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी पड़ेगी। जैसे लिटुल भैया ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ पे लोकल जो मेघालय की गाड़ियाँ हैं, यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी शिलोंग पीक जाने के लिए, क्योंकि वो एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है। तो इन लोगों के पास परमिट रहता है दोस्तों। इस टाइप की आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये टिकट लिया हुआ है हमने, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इनका भी थोड़ा कमाई होती है, लोकल अपना एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अभी गाड़ी हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। एक किलोमीटर पहले आपको यहाँ से टिकट मिलेगा और अभी चलेंगे शिलोंग पीक की तरफ। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं शिलोंग पीक को गाइस। तो फाइनली हम लोग अभी पहुँच चुके हैं शिलोंग पीक पे दोस्तों। बहुत ही ऑसम वेदर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। पीछे की तरफ से हम लोग आ रहे हैं, इस तरफ है दोस्तों डिफेंस का एरिया। यहाँ पे आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बीच में मैंने फ़ोटो नहीं ली गाड़ी में बैठने के बाद। तो यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, पीछे की तरफ है शिलोंग पीक। अभी एक बहुत ही ऑसम व्यू दिखाता हूँ आपको, कैसा दिखता है यहाँ से शिलोंग। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। ये जो पीक है दोस्तों, ये 1900 मीटर्स के आसपास है अबव सी लेवल। बहुत ही ठंडा ठंडा वेदर हो रहा है यहाँ पे और बहुत ही ऑसम व्यू आता है यहाँ से पूरे शिलोंग का। तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको शिलोंग का एक व्यू शिलोंग पीक से। चलिए फिर। ये चीड़ का पेड़ है दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड में भी होता है। गुवाहाटी में बहुत गर्मी थी दोस्तों, 3-4 दिन से ना बहुत वेदर गर्म हो गया था, बट यहाँ पे आप लोग देखिए कितना ऑसम वेदर बना हुआ है। आनू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा भी। देखिए अभी जब वेदर कहाँ मिलेगा, जब आए थे तो कोहरा था, कोहरा भी देखने को मिल गया। और ये है हमारा, और ये
ईस्ट, पूरा शिलोंग। शिलोंग को दोस्तों स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। सामने आप लोग देखिए शिलोंग पीक से ऑसम व्यू, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। और अभी बारिश और होगी, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, और ठंडा भी हो रहा है दोस्तों। गुवाहाटी में 3-4 दिन से बहुत गर्म था। अभी दोस्तों एक्चुअली क्या है, बहुत लोगों को ये पता था कि कोहरा है, व्यू नहीं दिखेगा, तो बहुत सारे लोग बीच में से रिटर्न हो गए। बट हमने कहा नहीं, एक बार जाके ज़रूर देखेंगे, एटलीस्ट कोहरे को तो इन्जॉय करेंगे। और लकीली देखिए दोस्तों, बाकी पब्लिक आई नहीं, हम लोग पहुँच गए और सडनली कोहरा भी डाउन हो गया, तो हमको ये व्यू भी देखने को मिल गया। और धीरे धीरे बादल अभी आ रहे हैं। हाँ जी, अनु बैग भी लेके आया है। तो ये है शिलोंग पीक दोस्तों, एंजॉय करते हैं और फिर चलेंगे अपने आगे की डेस्टिनेशन चेरापूंजी की तरफ। हवाएं चल रही कि बाल संभल नहीं रहे आज। दोस्तों ठंडा ठंडा वेदर हो और चाय मिल जाए तो मज़ा ही अलग है दोस्तों। अभी शिलोंग पीक में व्यू को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने ले ली है अपनी चाय। कैसा लग रहा मैडम? ऑसम व्यू और चाय, चाय भी बहुत अच्छी है। आनु का बन रहा है मैगी। तो आपको ये स्टॉल्स मिल जाएंगे शिलोंग पीक में, यहाँ पे बेहतरीन हवा दोस्तों, चारों तरफ फॉग, अच्छा वेदर, ऑसम व्यू और ये चाय। तो आप लोग आइए शिलोंग और इस ऑसम व्यू को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ लोकल स्टफ़ मिल जाएगा जो आप ले सकते हैं, शॉल्स वगैरह, बैग्स वगैरह। ये जो ऊपर व्यू पॉइंट है, यहाँ पे एक बायनाकुलर भी लगा हुआ है दोस्तों, आप शिलोंग बायनाकुलर से भी देख सकते हैं गाड़ी की पार्किंग। तो अभी चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, थोड़ा चाय मैगी ब्रेक हो जाए। तो दोस्तों शिलोंग पीक से नीचे उतरते ही चेरापूंजी के रूट पे आपको मिलेंगे शिलोंग के ये बेहतरीन टी गार्डन्स, जहाँ पे बनती है मेघालय शिलोंग की बहुत ही बढ़िया और उम्दा चाय। तो एंजॉय कीजिए इन टी गार्डन्स को भी। और अभी हम लोग चलते हैं चेरापूंजी की तरफ और आपको दिखाते हैं वहाँ के ऑसम वाटरफॉल्स। तो दोस्तों शिलोंग पीक से तकरीबन 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग सामने की तरफ से आ रहे हैं शिलोंग की तरफ से। अभी इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे चेरापूंजी की तरफ। वेदर बहुत ही ऑसम बना हुआ है दोस्तों, डेंस फॉग है, बारिश हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हैं दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस में। यहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि नीचे है एक बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल। तो एक्सप्लोर करते हैं उस वाटरफॉल को इस ब्यूटीफुल वेदर में, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं DYMPP, डिम्पिप टूरिस्ट व्यू पॉइंट। सामने कोहरा आ रहा है बिल्कुल, बादलों को कोहरा आ रहा है दोस्तों, पहाड़ों को चीरता हुआ। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं। एंट्री टिकट हम लोगों ने ले लिया है। नीचे वाटरफॉल है, जो पानी की आवाज़ आ रही है। मैडम लोग नीचे चल चुके हैं, मैं भी चलता हूँ और देखते हैं कैसा है वाटरफॉल नीचे। आप लोग बने रहिए दोस्तों, कहीं मत जाइए, द जोशी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए इस ऑसम व्यू को, ऑसम वेदर को। ये देखिए दोस्तों पानी गिर रहा है अभी पूरा। हम लोग काफ़ी नीचे तक आ चुके हैं चलते हुए, फैमिली बिल्कुल बड़ी जा रही है पानी को चीरते हुए, झरनों को चीरते हुए। और अभी वाटरफॉल जो है, पानी की आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गई है। इससे पता लग रहा है दोस्तों कि हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आनु भी काफ़ी इन्जॉय कर रही है, सामने मुझे थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है और आवाज़ भी आ रही है। तो चलते हैं, रोड से काफ़ी नीचे आ चुके हैं दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि अभी वापसी में तो थोड़ी मेरी लगने वाली है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, आप समझ रहे होंगे क्यों। तो पहले कोई बात नहीं, थोड़ा पहले इन्जॉय कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। वेदर बहुत ही ऑसम है और सामने एक बहुत ही ऑसम व्यू हमारा वेट कर रहा है। तो चलते हैं और जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं।
सामने देखिए आप लोग, वहां पे जाना है हम लोगों को। दोस्तों ये है चेरापूंजी जन्नत, इतना बड़ा वाटरफॉल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग मेघालय आते हैं, असम आते हैं, तो मानसून में आइए दोस्तों, यहाँ की ब्यूटी में एक अलग ही चार चांद लग जाते हैं दोस्तों। ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू और इस वेदर को एंजॉय कीजिए, बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। और दिखाते हैं आपको आगे की जगह भी, अभी चलना है ऊपर, तो चलते हैं ऊपर और चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो लेट्स गो गाइस, आप लोग एंजॉय कीजिए इस ऑसम व्यू को। On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. So, दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चेरापूंजी में ही, प्रूट फॉल्स। वेदर बहुत ही ऑसम बना हुआ है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। गाड़ी कर चुके हैं पार्क यहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा एंट्री टिकट और यहाँ से नीचे है प्रूट फॉल्स। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं प्रूट फॉल्स को। अभी तो कोहरा है दोस्तों, नीचे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। कितना चार्ज है मैडम? 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ का टिकट है दोस्तों। चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं प्रूट फॉल्स को, चेरापूंजी। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी प्रूट फॉल्स में। मैडम लोग थोड़ा रुक गए थे, बट अभी जो सामने का व्यू है दोस्तों, उसको देख के बस अभी नज़र नहीं हट रही है उस व्यू से। तो मैं आपको दिखाता हूं वो सामने का व्यू कैसा लगा जी। ऊपर से हम लोग आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं ये व्यू, ऑसम व्यू। पूरी नीचे चट्टाने हैं दोस्तों, कुछ कुछ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ये है पानी और ये देखिए दोस्तों, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, पूरा ऊपर से पानी गिरता हुआ। ये है चेरापूंजी की एक और हिडन प्लेस, प्रूट फॉल्स। ऐसी बहुत सी जगह हैं दोस्तों चेरापूंजी में, मेघालय में, हिडन प्लेसेस। तो अपने बैग एंड बैगेजेस पैक कीजिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप बनाइए मानसून में, इस ऑसम व्यू को एंजॉय कीजिए। जो हवा चल रही है, जो सीनिक ब्यूटी है, उसको एंजॉय कीजिए और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इतने खूबसूरत नज़ारे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। सामने देखिए भैया जी खड़े हैं पूरा पानी में, और बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ से, सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। मन कर रहा है बस यहाँ पे खड़े रहो और इस व्यू को एंजॉय करते रहो। ग्रेट व्यू, आया मजा, थम्स अप। चलो जी, दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ वाइसेंडिंग फॉल में। मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, इस फॉल की खासियत ये है दोस्तों, ये तीन स्टेप्स में है दोस्तों, ये 1, 2 एंड 3। अभी बैक कैमरे से भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ से मैं आया, गाड़ी हम लोगों ने खड़ी करी है ऊपर रोड में, तकरीबन 100 मीटर चल के मैं नीचे आया। आनू को लग गई थी थोड़ी भूख, तो आनू और मम्मा बैठे हुए हैं अभी गाड़ी में। अभी इस फॉल को मैं थोड़ा सा देखता हूँ, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, और उसके बाद चलेंगे 100 मीटर चल के ऊपर जाएंगे वापस। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं दोस्तों चेरापूंजी में देखने के लिए,
बहुत सारे फॉल्स हैं। मॉनसून में आप लोग आइए, प्लान बनाइए एंड एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल व्यू को, और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, जैसा मैं हमेशा से आपसे बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो अभी इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और सुकून से इस नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करता हूँ। आप लोग भी इंजॉय कीजिए और फील कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी को। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, यह है वाइसिंगडिंग फॉल। तीन स्टेप्स में आता है दोस्तों, 1, 2 एंड देन 3। काफ़ी ब्यूटीफुल है दोस्तों ये भी, चारों तरफ ग्रीनरी है, लश ग्रीन फॉरेस्ट, उसके बीच में ये ब्यूटीफुल फॉल। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अभी थोड़ी देर शांति से यहाँ पे खड़ा होता हूँ, नेचर को एंजॉय करता हूँ, उसके बाद चलूँगा फिर ऊपर। आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी को दोस्तों। अभी चलना है दोस्तों यहाँ से वापस ऊपर की तरफ, 100 मीटर्स ऊपर जाना है रोड में। तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होते हैं, एंजॉय करते हैं इस नेचुरल ब्यूटी को। दोस्तों मैं अभी नीचे वाइसिंगडिंग फॉल को देख के नीचे से ऊपर आ गया हूँ। आनू और मम्मा खड़े हैं ऊपर, ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, लग रहा है उनके स्नैक्स पूरे हो चुके हैं। पूरी खड़ी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, ये आप लोग देखिए नीचे। यहाँ से मैं दोस्तों पूरा नीचे गया था, और अभी भी पानी का साउंड आ रही है, लेकिन प्लेस जो है दोस्तों वो वर्थ विजिटिंग है। आप लोग ज़रूर आइए, अगर आप लोग कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है दोस्तों। एक चीज़ और है दोस्तों, थोड़ा सा आएंगे आप तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कार्डियो हो जाएगा, और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सीनरी देखने को भी मिलेगी। तो चलते हैं अभी ऊपर, बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं डायक्लिन फॉल, सामने जो ब्रिज है उससे हम लोग आए, गाड़ी कर दी हमने पार्क, यहाँ से पानी जा रहा है दोस्तों। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कैसा लग रहा है मैडम, दिखाएं फिर अपने ऑडियंसेस को एक बेहतरीन व्यू। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग अभी फॉल्स को नीचे से देख रहे थे, अभी हम लोग आ चुके हैं फॉल्स के जस्ट ऊपर। ये दोस्तों पूरा फॉल नीचे गिरता हुआ, बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है, वेरी नाइस, सो ब्यूटीफुल, पूरा नीचे तक जा रहा है, सामने आप लोग देखिए। तो दोस्तों मेघालय चेरापूंजी में घूमने के लिए वाटरफॉल्स इतने सारे हैं दोस्तों कि आप लोग देखते देखते थक जाएंगे दोस्तों, पर ये फॉल्स कम नहीं होंगे और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी भी कम नहीं होगी। हम लोग फॉरेन्स के जो फॉल हैं दोस्तों उनको हम लोग बहुत हाइप करते हैं, बट दोस्तों अपने इंडिया में भी इतनी अच्छी अच्छी सीनिक ब्यूटीज़ हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी को मेघालय की, और बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ, इस नेचर को इन्जॉय कीजिए हमारे साथ। तो अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद चलेंगे अपनी गाड़ी में अगले डेस्टिनेशन की तरफ। सो ब्यूटीफुल, तो ये था डायक्लिन फॉल। अभी ये है दोस्तों 4th नंबर का फॉल जो आज हम लोगों ने देखा। पानी देखिए, अभी तक जितने फॉल्स हम लोग देख रहे थे वो नीचे से देख रहे थे, अभी इस फॉल के हम लोग ऊपर आ चुके हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया था, पानी बिल्कुल नीचे गिर रहा है और जो चट्टानों में पानी टकरा रहा है दोस्तों, उसका एक अलग ही व्यू आ रहा है दोस्तों। और यहाँ से जो वैली है उसका भी एक अलग ही व्यू आ रहा है, और यहाँ से दोस्तों इस तरफ से पानी आता है जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। तो ये है डायक्लिन फॉल दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस फॉल को, बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ। चलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे थे रिजॉर्ट की तरफ, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चेरापूंजी टाउन से। मेरे पीछे जो आप लोगों को दिख रहा है ये है चेरापूंजी टाउन, शिलोंग सिटी से तकरीबन 60 किलोमीटर्स दूर ये है चेरापूंजी का मेन टाउन दोस्तों। अभी आगे है रिजॉर्ट जहाँ पर हमें करनी है पेट पूजा। एक फॉल्स और दिख रहा है सामने दोस्तों, अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ वो फॉल भी, उसके बाद चलेंगे रिजॉर्ट की तरफ और करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा। तो ये है चेरापूंजी टाउन, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, पहले थी सोहरा चेरापूंजी, अभी हो गई है मोहसिन राम जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही आगे है। तो अभी दिखाता हूँ सामने वाला फॉल, थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा।
तो दोस्तों ये है चेरापूंजी टाउन, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। ये रूट जा रहा है रिज़ॉर्ट की तरफ, शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर। और ये देखिए दोस्तों सामने एक ऑसम व्यू, फॉल गिरता हुआ, बादल नीचे तक आ चुके हैं, ये पूरा एक कंप्लीट व्यू आ रहा है दोस्तों। कोहरा थोड़ा सा छट चुका है तो सोचा ये फॉल भी आप लोगों को दिखा दूं चलते चलते। ये है चेरापूंजी टाउन, गाड़ी खड़ी आगे, चलते हैं, बैठते हैं और इस रूट को पकड़ते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ और करते हैं कुछ पेट पूजा दोस्तों। कंप्लीट व्यू एक और, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं जीवा रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट एरिया में, थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों, चेरापूंजी सोहरा में सिचुएटेड है, बहुत ही ऑसम व्यू आता है यहाँ से। आनु क्या खाएगा? पनीर। और चिली चिकन। ओके, तो कैसा लग रहा है मैडम रिजॉर्ट? तो दोस्तों अभी करते हैं कुछ पेट पूजा, उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजॉर्ट अच्छा लगा होगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों आगे, देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ है दोस्तों, कुछ और स्पॉट्स हम लोग कवर कर सकते हैं या नहीं। तो अभी करते हैं पेट पूजा जल्दी से, उसके बाद चलेंगे आगे और एक्सप्लोर करते हैं फदर। तो दोस्तों ये था हम लोगों का डे टू चेरापूंजी शिलोंग ट्रिप का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ट्रिप पसंद आया होगा। इस व्लॉग में हमने कोशिश करी आपको चेरापूंजी और शिलोंग की जो नेचुरल ब्यूटी है दोस्तों वो दिखाने की। ज़्यादा भीड़ भड़क्का हमने आप लोगों को, मार्केट क्राउडेड प्लेस हम लोगों ने आपको दिखाई नहीं, पूरी नेचुरल ब्यूटी दिखाना मकसद था। अभी बहुत कुछ है दोस्तों मेघालय में देखने के लिए, बहुत हिडन प्लेसेस हैं, बहुत जगह हैं दोस्तों। अभी तो मेरे ख्याल 25-30% ही हम लोगों ने कवर किया होगा, अभी 75-80% बचा हुआ है दोस्तों मेघालय का, जिसके लिए आपको कम से कम 4-5 दिन चाहिए यहाँ पर इत्मीनान से घूमने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था सामने है देखिए आप लोग सेवन सिस्टर्स फॉल, चलते चलते सोचा आपको ये फॉल और दिखा दें। पूरा एक वैली का एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है पीछे दोस्तों, जो पहाड़ हैं उसके नीचे जो वैली दिख रही है वो है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो जो सामने लास्ट पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे बांग्लादेश है। पूरा पानी भर जाता है दोस्तों इस सीज़न में वहाँ पर। एक बहुत ही ऑसम व्यू आ रहा है सेवन सिस्टर्स फॉल का चेरापूंजी में। अभी रिटर्न करना है वापस अपने रिजॉर्ट ऑर्किड लेक रिजॉर्ट बड़ा पानी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, बाय बाय। इस ऑसम व्यू के साथ वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अनु भी बोल रहा है क्या? जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।